हेलो एंड वेलकम, मैं वैशाली थानिक हाजिर हूँ लेके एक फिल्म रिव्यू हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा ऑडियंस को थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। कार्तिक आर्यन और कियारा एडवाणी की जोड़ी ने पिछले साल भूल भुलैया 2 के जरिए बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा दिया था। यही जोड़ी अब आज रिलीज हुई फिल्म सत्य प्रेम की कथा में भी दर्शकों के बीच उतर रही है। ईद के मौके पर रिलीज हो रही फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, जिसके ट्रेलर में हमें शादी, रोमांस, इमोशन सब नजर आ गए थे। भावनाएं आहत ना हो इस चक्कर में सत्यनारायण की कथा को बदलकर सत्य प्रेम की कथा किया गया। निर्देशक समीर विद्वांस की फिल्म क्या दर्शकों की भावनाएं इस फिल्म के प्रति जगाने में कामयाब होगी, आइए बताते हैं अपने इस रिव्यू में। कहानी है गुजराती परिवार में रहने वाले सत्य प्रेम की, जिसे अहमदाबाद के बड़े बिजनेसमैन की बेटी कथा से पहले ही नजर में प्यार हो जाता है। लेकिन सत्य प्रेम अपनी फीलिंग्स को कथा को नहीं बताता, क्योंकि कथा का पहले से ही बॉयफ्रेंड है। फिर एक साल बाद सत्य को पता चलता है कि कथा का ब्रेकअप हो गया है, तो वो फिर से उसके पास जाता है और कोशिश करता है। कथा और सत्य की शादी हो जाती है, लेकिन ये शादी वैसी नहीं है जैसे आम शादियां होती है। आखिर ऐसा क्यों, क्या वजह है इस शादी की, तो वो जानने के लिए तो आपको सिनेमा घर तक जाना ही होगा। गुजराती परिवेश में बनी इस फिल्म के पहले ही सीन में थोड़ा अटपटा सा महसूस होगा, जैसे कि एग्जाम में फेल हो चुका सत्तू घर में बैठकर झाड़ू लगाता है, बर्तन मांजता है, और वहीं उसकी बहन टेबल में बैठी खाना खाती है। हालांकि इन सबको पहले सीन में पचाना उतना आसान नहीं है, लेकिन आगे की कहानी में सत्तू वैसा नहीं है। कहानी का फर्स्ट हाफ कॉमेडी के साथ कहानी को प्रपोज करता है और कुछ जगह हंसी आती है, पर आप ठहाके लगाएं या खूब हंसे वो थोड़ा मुश्किल है। सेकंड हाफ में तो एक मोमेंट पर आपको लगेगा कि कहानी खत्म हो गई है, अब बस इससे आगे कुछ नहीं है, लेकिन तभी फिल्म और आगे बढ़ती है और सेकंड हाफ ज्यादा इमोशनल है। कहानी की स्पीड ऐसी है जैसे कि धीमे कांच पर पकती खिचड़ी, लेकिन जिस तरीके से गंभीर विषय को ये कहानी ट्रीट कर रही है, उसके लिए इसका धीमी आंच पर पकना कुछ हद तक सही भी लगता है। तो कहानी की ज्यादा परतें खोली जाएंगी तो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगी कि निर्देशक समीर विद्वांस की एक बेहद जरूरी कहानी को पेश करने की कोशिश की है, जिसकी तारीफ होनी चाहिए। एक्टिंग की बात करें तो कार्तिक आर्यन इस फिल्म में भी अपनी इसी ब्राइट स्माइल के साथ नजर आएंगे, लेकिन सेकेंड हाफ में कार्तिक का ठहराव आपको अच्छा लगेगा। सत्य के किरदार की फिलोसफी भी कुछ सच बोलने से पहले सोचना क्या, और वो यही दिखाते हैं। इस फिल्म को देखते हुए कार्तिक को देखने के बाद मुझे उनकी पिछली फिल्म जैसे प्यार का पंचनामा या सोनो की ट्विटी याद आई, और कह सकते हैं कि उन्होंने अपने पिछले पाप धो चुके हैं। हालांकि कार्तिक सत्य प्रेम की कथा से पहले आकाशवाणी जैसी फिल्में भी कर चुके हैं, लेकिन वो इतनी ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। तो वहीं कियारा एडवाणी ने कथा के किरदार को बखूबी पर्दे पर उतारा है। उनकी आंखें आपको वो दर्द साफ दिखाती हैं जिसकी बात इस कहानी में कही गई है। कियारा अपने किरदार में खूबसूरत लग रही हैं और गजराज राव और सुप्रिया पाठक हमेशा की तरह कन्विंसिंग लग रहे हैं। सत्य प्रेम की कथा एक रोमांटिक फिल्म है जो महज रोमांस की नहीं बल्कि उसके आगे की बात करती है। बस इस कहानी के सामने रखते हुए इमोशंस का ज्यादा और मनोरंजन का कम इस्तेमाल है। कुछ जगह पर फिल्म भारी हो जाती है, लेकिन सेकेंड हाफ में कई हिस्से ऐसे हैं जो आपको एहसास दिलाएंगे कि जिसे अभी तक हम परफेक्ट समझ रहे थे वो भी खुद किसी न किसी तरह से थोपा गया है। इस फिल्म में कई कमियां हो सकती हैं, पर ये कहानी एक ज़रूरी कहानी है जो अपने इमोशंस और मैसेज से आपको सोचने पर शायद पैच आपके सोचने के नज़रिए को शायद बदलने में मजबूर कर देगी। और मेरी तरफ से इस फिल्म को 3.5 स्टार देना सही रहेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ खास है नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए हमारे इस रिव्यू में इतना ही। बने रहे हमारे साथ हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन लाइफ में।